वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन, नोइंग आर नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। साइज 1.1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक देखिए, 1 लाख, यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक दिया है। 10,000, यानी कि उसने पूछा है कितने 10,000 मिलकर 1 लाख बनाएंगे। अब हमें ये बता हमें बताना पड़ेगा कि 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, और 10,000 में कितने जीरोस होते हैं। 1, 2, 3, 4। या तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे 4 जीरोस दी गई हैं, इधर से 4 जीरोस को कट कर दीजिए, तो हमारे पास कितना बचा 10, यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए, यानी कि 10 10,000s मिलकर 1 लाख बनाते हैं। या फिर आप ऐसे सोच लीजिए कि 10,000 में अगर हम एक और ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारा 1 लाख बनता है, तब भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 के साथ 0, यानी 10 10,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं। है ना, इसी वे से हमें पता चल जाता है, जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास 10 बचा और हमने 10 यहाँ पे लगा दिया और 10,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं। इसी तरह से 1 मिलियन का कैसे है, 1 मिलियन में हमारे पास 6 जीरोज़ होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 100,000 में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरोस को 5 जीरोस से कट कर देंगे, हमारे पास कितना बचा 10, तो 10,000 मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं। है ना इजी ट्रिक, आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 करोड़। 1 करोड़ में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 10 लाख में कितनी जीरोस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी भी आप ऐसे ही करेंगे, ये 6 जीरोस को 6 जीरो से कट कर देंगे और हमारे पास कितना बचा 10, तो 10 10 लाख मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। 1 करोड़ में हमारे पास कितने जीरोस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और मिलियन जहाँ पे लिखा है इसका मतलब 1 मिलियन ही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी ऐसे 6 जीरोस को 6 जीरो से कट कर दीजिए, हमारे पास बचा 10, तो 10 मिलियंस मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। हमारे पास है 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 1 लाख में हमारे पास कितने जीरोस होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यही 5 जीरोस को यहाँ 5 जीरोस से कट कर दिया, हमारे पास बचा 10 लाख, यानी कि 10 लाख मिलकर 1 मिलियन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73,75,307। अब आपको यहाँ पे उसने बोला था कि क्या लिखा था, प्लेस कॉमास, क्योंकि हमें कॉमास इसमें पुट करने हैं और इसे नंबर्स में भी लिखना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली लिखना है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के। यहाँ पर लैक दिया गया, इसलिए हमें पता चल गया है कि हमें इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली लिखना है। तो हमारे पास क्या है, 73 लाख। कैसे हम लिखेंगे, मैं इसमें पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है, आपसे कोई मिस्टेक होती है, तो आप उसको इरेज करके ठीक कर सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, 73 लाख। लाख में कितनी जीरोस होती हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5 होती हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या लिखा है, 75,000। अब 75,000 यहाँ पे आ जाएगा, देखो 75,000 हो गया, 75,000 आपका। नेक्स्ट कितना है, उसके बाद क्या है, 307, तो 300 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हमारा, 300 में ज़ीरो ऐसे ही रहेगा, पीछे कितना है 7, तो हम यहाँ पे इसको इरेज करके 7 लिख देते हैं। देखो आपको इजीली समझ में आ गया ना।
चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है 9,05,41। 9 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमारे पास कितना दिया? 9 करोड़ हमने लिख लिया। 5 लाख, 5 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? 5 होती है ना, तो पीछे से आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारा जो प्लेस है वो 5 का प्लेस है। यहाँ पे मैं इसको इरेज करके 5 लिख देती हूँ। 5 लाख हो गया ना, आगे देखो 5 लाख हो गया। फिर उसने कितना बोला? 41। 41 लास्ट वाला है हमारे पास, तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 41। दोनों जीरोस को प्लेस करेंगे 41। देखो, अब देखो आपको यहाँ से पता चल गया, अगर हमने ऐसे नहीं लिखा होता, जीरोस को नहीं पुट किया होता यहाँ पे, तो आपसे गलती भी हो सकती थी। आप 5 के साथ यहाँ से 0 0 0 अपने आप काउंट हो गया ना, और आपका ये सारा क्वेश्चन है कभी गलत भी नहीं होगा, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आप गलती भी नहीं करोगे। अब कॉमास भी पुट करने रह गए थे हमारे, सॉरी। अब इन दोनों में हम पहले कॉमास पुट कर लें। देखो कॉमास कहाँ पे आएंगे? इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली कॉमास हमारे आते हैं 1000 से पहले यहाँ पे, और एक 2 के बाद, पहले 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। अब यहाँ पे 9,05,41 में 3 के पहले कॉमा, फिर 2 के पहले कॉमा, फिर 2 के पहले कॉमा। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। 7,52,21,302। चलिए कैसे लिखेंगे हम 7 करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आज के 7 करोड़ हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट कहते हैं 52 लाख, यानी कि लाख में कितनी जीरोस होती हैं? 5 होती है ना, तो कैसे हम काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। देखो दो डिजिट्स हमारे हो गए, हमें कितना चाहिए? 52। तो हमें ये दोनों ही इरेज करके 52 लिख देते हैं। लिखा हमने यहाँ पे 52। उसके बाद उसने बोला 21,000। 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3। 1, 2, 3, यहाँ से 3 डिजिट छोड़ दिया हमारे, यहाँ पे हम लिखेंगे 21,000 हो गया हमारा। नेक्स्ट कितना है? 302। इसको इरेज किया, सॉरी, यहाँ पे हम जीरोस दोबारा लिख देते हैं, दूर चला गया वो, इसलिए आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा। तो ये इरेज हमने कर दिया जीरो को, हम यहाँ पे लिखेंगे 300 हो गया हमारे पास। फिर कितना है? 2। लास्ट में 2, यानी कि वो टेंस में नहीं है, वो वंस में है, तो हमें 2 यहाँ पे पुट कर देना है। देखो हमारा बिल्कुल सही हो गया, 7,52,21,302। देखिए ना, इजी ट्रिक से आपको समझ आ गया ना। कॉमास भी पुट कर लेते हैं, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, ये कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। 58,423,202। चलिए आप बताइए मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6 जीरोस होते हैं, तो हमें कितने 58 मिलियन हम पहले लिख लेते हैं। 58 मिलियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। फिर आज किसके बाद कितना है? 423,000। ये नहीं चेक करना आपने, इसको चेक करना, 1000 लिखा हुआ, यानी कि 423,000। तो 1000 में कितनी जीरोस होती हैं? 1, 2, 3, यहाँ पे हमने छोड़ देना है, 423 यहाँ पुट होगा वो। तो चलिए हम यहाँ पे पहले इरेज करके लिख देते हैं 423, ये हो गया ना, 423,000 पूरा हो गया। इसके बाद है 200 पहले बनाएंगे हम, ये हमारा बन गया 200 हो गया पूरा। अब कितना है? 2, यानी कि 1 है, टेंस नहीं है, तो हम लास्ट में 202 लिखेंगे, 202। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि ये नहीं सोचना है कि 100 आ गया हम यहाँ से 4 उठा के यहाँ लिख दें, तो आपका वो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको लिखना है। कैसे? 58 मिलियन हो गया,
423 हो गया 1000, उसके बाद 202, इसे आप अच्छे से समझना। अगर आपको दोबारा ना समझ आए तो बार बार आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको कैसे समझाया, और आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, कभी गलती भी नहीं होगी। अब इसमें कॉमास भी पुट कर देते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा और 2 डिजिट के बाद कॉमा। नेक्स्ट हमारा ई पार्ट है 23,30,010। 23 लाख हम कैसे लिखते हैं, 23 लाख, लाख में कितनी जीरोज़, 5 होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज़ आ गई। आगे क्या बोला उसने, 30,000, यानी कि 1000 में 3 जीरोज़ होती हैं, पीछे से आप 3 जीरोज़ छोड़ दीजिए, ये 2 जीरोज़ आपको काटनी पड़ेंगी। यहाँ पे मेरे को 30 चाहिए ना, इसीलिए मेरे को 2 करनी पड़ेगी, तो मैं 30,000 बनाऊँगी इसको, ये मेरा बन गया 30,000। नेक्स्ट कितना है हमारे पास, 10, आगे हमेशा हमारा हंड्रेड्स भी होता था, अब हमारा टेंस है, पीछे से टेंस आ गया, तो मैं टेंस के लिए 2 जीरोज़ और पीछे से इरेज करूँगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1, 0, 10। अब देखिए आप यहाँ से चेक कर लीजिए, चाहे बिल्कुल ठीक बना है, 23,30,010। चलिए कॉमास पुट कर देते हैं हम जल्दी से, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा और 2 डिजिट के बाद कॉमा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आपको फिर भी इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लेना, आपको हर एक क्वेश्चन को मैंने इतने इजी वे से समझाया कि आपको मुश्किल नहीं आ सकती। थैंक यू।